इस वीडियो में हम सीखेंगे विल और वुड के बारे में। आप में से बहुत से लोगों को विल और वुड का इस्तेमाल करने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपके विल और वुड से रिलेटेड सभी कंफ्यूजन्स दूर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी को भी दबा लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। विल का इस्तेमाल होता है फ्यूचर की, यानी कि भविष्य की बात करने के लिए। जैसे कि आपको किसी को प्रॉमिस करना हो, यानी किसी को वचन देना हो, या किसी की विलिंगनेस चाहिए, यानी किसी की रजामंदी चाहिए, लेकिन कहाँ, फ्यूचर में यानी कि भविष्य में, तो वहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रोहन टीवी देखेगा, तो यहाँ पर रोहन टीवी देखेगा यानी कि फ्यूचर में देखेगा, यानी कि भविष्य में देखेगा, अभी तो नहीं देख रहा, तो यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा, रोहन विल वॉच टीवी। उसी तरीके से, वह क्रिकेट खेलेगा। अब कब खेलेगा, फ्यूचर में खेलेगा, यानी कि भविष्य में खेलेगा, अभी तो नहीं खेल रहा, तो ये बन जाएगा, He will play cricket. मैं तुम्हें अपनी स्कूटी दूंगा, तो कब दूंगा, फ्यूचर में दूंगा, यानी कि भविष्य में दूंगा, तो यहां पर एक तरीके का प्रॉमिस किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके का वचन दिया जा रहा है कि भाई मैं तुम्हें अपनी स्कूटी दूंगा, तो ये बन जाएगा, I will give you my स्कूटी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो यहां पर एक तरीके का प्रॉमिस किया जा रहा है, यानी कि वचन दिया जा रहा है कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कब करूंगी, फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में करूंगी, तो ये बन जाएगा, आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, तो यहाँ पर एक विलिंगनेस दिखाई जा रही है, एक इच्छा दिखाई जा रही है कि भाई मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन कब आऊंगी, फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में आऊंगी, तो ये बन जाएगा, आई विल कम विथ यू। विल का इस्तेमाल डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय दिखाने के लिए भी होता है। अब एग्जाम्पल के लिए, हम मैच जीतेंगे, तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन दिखाई जा रही है, यानी कि दृढ़ निश्चय है कि भाई हम मैच जीतेंगे, तो ये बन जाएगा, वी विल विन द मैच। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, तो यहाँ पर भी एक डिटर्मिनेशन है, यानी कि एक दृढ़ निश्चय है कि भाई मैं कड़ी मेहनत करूंगा, तो ये बन जाएगा, I will work hard। विल का इस्तेमाल थ्रेट यानी कि धमकी देने के लिए भी होता है। अब एग्जाम्पल के लिए, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक थ्रेट है, यानी कि एक धमकी दी जा रही है कि भाई मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तो ये बन जाएगा, आई विल टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो यहाँ पर भी एक तरीके का थ्रेट है, यानी कि एक तरीके की धमकी दी जा रही है, तो ये बन जाएगा, आई विल पनिश यू। अब देख लेते हैं वुड के बारे में। अब ये वुड क्या है, वुड है पास्ट टेंस ऑफ विल। वुड का इस्तेमाल होता है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि नम्र निवेदन करने के लिए, या जैसे कभी हमें अपनी कोई इच्छा जतानी होती है तो उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो यहाँ पर क्या है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी कि एक नम्र निवेदन किया जा रहा है, भाई क्या आप मेरी मदद करोगे, तो इसलिए यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा, वुड यू प्लीज हेल्प मी। उसी तरीके से, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एक इच्छा जताई जा रही है अपनी कि भाई मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग। उसी तरीके से, क्या आप टीवी देखना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर भी एक प्यार से एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, भाई क्या आप टीवी देखना पसंद करेंगे, तो ये बन जाएगा, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी। वुड का इस्तेमाल अनरियल सिचुएशंस के लिए भी होता है, यानी कि जिन चीजों की हम सिर्फ कल्पना करते हैं, जैसे कि अगर ऐसा होता तो मैं वैसा कर लेता, इस तरीके से, यानी कि जो चीजें अवास्तविक है, यानी कि सिर्फ कल्पना में है, यानी कि सच में नहीं है, तो वहां पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। अब यहाँ पर क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है क्योंकि ना तो आप एक पक्षी हो और ना ही आप उड़ने वाले हो, तो ये क्या है, एक कल्पना है यानी कि एक अवास्तविक चीज है। तो यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन जाएगा इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। उसी तरीके से अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, तो यहाँ पर भी क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है यानी कि सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं क्योंकि ना तो अभी आपने लॉटरी जीती है और ना ही आप अभी गरीबों की मदद कर रहे हो, तो ये क्या है, एक कल्पना है यानी कि एक अवास्तविक चीज है। तो ये बन जाएगा इफ आई वन द लॉटरी आई वुड हेल्प द पुअर। वुड का इस्तेमाल पास्ट की हैबिट यानी कि बीते हुए समय में आपकी कोई आदत थी जिसे आप प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में बता रहे हो, उसके लिए भी वुड का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं बच्चा था तो क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ पर क्या है, पास्ट की बात हो रही है यानी कि बीते हुए समय में आपकी कोई आदत थी यानी कि आप क्रिकेट खेला करते थे, उसे आप प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में बता रहे हो, तो यहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करोगे। तो ये बन जाएगा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट। जब मैं बच्चा था मैं रोज अपने दांत ब्रश करता था। अब यहाँ पर पास्ट की कोई हैबिट बताई जा रही है यानी कि बीते हुए समय में आपकी यह हैबिट थी, आदत थी, जो आप प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान काल में बता रहे हो, तो ये बन जाएगा व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड ब्रश माय टीथ एवरी डे। वुड का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी होता है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करूंगा। अब मदद कब करेगा, फ्यूचर में करेगा यानी कि आने वाले समय में करेगा, और कहा कब, पास्ट में कहा यानी कि बीते हुए समय में कहा, तो यहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम। उसी तरीके से उसने कहा कि वह वहां जाएगा। अब यहाँ पर कहा कब, पास्ट में कहा यानी कि बीते हुए समय में कहा, और जाएगा कब, फ्यूचर में जाएगा यानी कि आने वाले समय में जाएगा। तो ये बन जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो यहाँ पर पूरा होता है हमारा विल और वुड का यूज। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ही मैं हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।